हमने बहुत मरतबा एक चीज़ पढ़ी और वो ये कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है। यानी हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे या किसी भी हाइट से ड्रॉप करें तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। और हमने ये भी देखा प्रीवियस क्लासेस में, ग्रेविटी इसे अपनी तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है या पुल करती है। अब इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फिजिकल मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेगी तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। अब उसके बढ़ने की वजह यह है कि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड या पर सेकेंड का एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसी चीज़ को, इसी बात को एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जंप करने से पहले या फ्री फॉल से पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो थी और अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो क्या करता है, जंप करता है नीचे की तरफ, वो चीज़ फॉल करती है और एक सेकंड का वक्फा गुजरता है। इस वक्त एक सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी है वो हम कैसे मालूम करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी थी ज़ीरो, अब एक्सलरेशन जो है जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है वो तो कांस्टेंट है, अब वो है 9.8। तो हम ज़ीरो में 9.8 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर और गुजरती है, यानी एक सेकेंड और गुजरता है, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? दो सेकेंड के बाद हम उसकी प्रीवियस वेलोसिटी जो 9.8 थी उसमें 9.8 फर्दर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो रही है उसकी। तो जो दो सेकेंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 19.6। फिर 3 सेकेंड गुजर जाते हैं, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 3 सेकेंड बाद वेरी इजी, हम पिछली वेलोसिटी में 9.8 फर्दर ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड गुजरते हैं, फिर इस 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हम उसमें मज़ीद 9.8 ऐड करेंगे जो आंसर आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी। इसी तरह 5, 6, 7, 8 सेकेंड जितनी मर्जी दफ़ा हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमने पिछले टॉपिक में देखी कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो रिटार्डिंग फोर्स भी कही, उसकी मूवमेंट को रिटार्ड करती है, यानी मूवमेंट को अपोजिट एक्ट करती है। अब ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसका वेट इसे नीचे की तरफ लेके आ रहा है, बट ड्रैग फोर्स क्या कर रही है? ड्रैग फोर्स इसको रिटार्ड कर रही है, इसके नीचे आने की स्पीड को रिड्यूस कर रही है। वो कैसे कर सकती है? जब तक वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, क्योंकि इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन पड़ रही है। और वो फ्रिक्शन क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इन द बिगिनिंग जब ये गिरने लगा था, इसका वेट अगर सपोज 80 kg था, तो ड्रैग फोर्स इस पे 0 kg होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि इसकी तो अभी वेलोसिटी ही 0 है, अभी तो ये गिरा ही है, गिरने ही वाला है। तो टोटल नेट फोर्स जो इसे नीचे की तरफ ला रही है वो होगी 80 - 0, यानी वो होगी 80 kg की फोर्स इसे नीचे की तरफ ला रही है। थोड़ा टाइम गुजर जाता है, अब हमें पता है टाइम गुजरने से क्या देखा हमने पीछे अभी, कि टाइम गुजरने से फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी जब वो गिरने वाला था या गिर रहा था, अब जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स है, सपोज कर लेते हैं वो 25 kg है, तो जो नेट फोर्स जो उसे नीचे की तरफ ले आ रही है वो कितनी होगी? 80 जो नीचे ला रही है, 25 जो उसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही है, तो जो डिफरेंस है वो आएगा 55 का। तो 55 की फोर्स से वो नीचे की तरफ आ रहा है। फिर थोड़ा टाइम गुजरता है, उसका जो वेट है, वेट तो सेम ही रहेगा 80 kg, जो ड्रैग फोर्स है उसके ऊपर लगने वाली उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो गई ड्रैग फोर्स, हम कहते हैं 70 होगी। तो डिफरेंस लेंगे 80 - 70, आंसर आएगा 10, वो 10 की फोर्स है जो उसे नीचे की तरफ पुल कर रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि उसका जो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल होगी। अब अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे 80 - 80 तो आंसर आएगा 0। तो अब जो नीचे की तरफ उस पर नेट फोर्स लग रही है वो हो गई 0। तो इसका मतलब अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरेगी। इस वेलोसिटी को जब वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए
तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है और उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल का मतलब खत्म हो जाना, तो ड्रैग फोर्स टोटल नेट फोर्स उस पर खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो इस वजह से हम इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब हम ये चाहते हैं इस टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करें, इक्वेशन बनाएं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने देखा कि नेट फोर्स जो है वो, फॉर एग्जांपल हम वाटर ड्रॉपलेट की बात करते हैं, तो जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो नेट फोर्स वेट और ड्रैग फोर्स का डिफरेंस होता है और टर्मिनल वेलोसिटी पे वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स एट टर्मिनल वेलोसिटी। अब वेट का बड़ा इजी फॉर्मूला है mg, तो हम वेट जहां लिखा है mg लिख लेते हैं। ड्रैग फोर्स हमने पिछले टॉपिक में उसका फॉर्मूला लिखा, स्टॉक्स फॉर्मूला कहते हैं उसे, स्टॉक इक्वेशन, और वो क्या थी, 6 पाई ईटा आर वी। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो है फर्स्ट टर्म मास है उस ड्रॉपलेट का जो नीचे गिर रहा है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिससे वो ग्रेविटी की तरफ पुल हो रहा है, और जो ईटा है वो विस्कोसिटी है एयर की, आर जो है वो रेडियस है उस वाटर ड्रॉपलेट का, वी जो है, अब वी क्या है, वेलोसिटी, बट ये आम वेलोसिटी नहीं है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि हमने जब टर्मिनल वेलोसिटी कहा तभी ये दोनों को इक्वल रखा, इसलिए इसे वी टी का नाम से जाहिर करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अकेले इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ लिखा हुआ 6 पाई ईटा आर इसे mg से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास vt बच जाएगा। अब vt का फॉर्मूला बना है mg ओवर 6 पाई ईटा आर। अब जो वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है उसको, उसका हम मास तो नहीं मालूम कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हम इस मास की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें मालूम है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के, और डेंसिटी का जो सिंबल है वो है रो, एम मास वी वॉल्यूम। यहां से मैं एम अलग निकालना चाहूं तो वी दूसरी तरफ जाकर रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम की वैल्यू आ जाएगी एम इज इक्वल्स टू रो वी। अब अगर वाटर ड्रॉपलेट की शेप कंसिडर करें तो वो इस किस्म की होगी, और इसका अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा, हम वॉल्यूम नहीं मालूम कर सकते क्योंकि ना ये सफ़ेद है और ना रेक्टेंगल, तो हम इसका वॉल्यूम इजीली मालूम नहीं कर सकते। एक अजम्पशन कर लेते हैं कि ये एक परफेक्टली स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे ही हमने ये अज्यूम करेंगे हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करना बड़ा ईजी हो जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 4/3 πr³। r जो है इस स्फीयर का रेडियस है, तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई। हम रो से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे मास के इक्वल हो गया, तो मास की वैल्यू हमने मालूम कर ली इन टर्म्स ऑफ रेडियस। एंड डेंसिटी इजी है, वाटर की डेंसिटी मालूम करना इजी है, नॉन होती है, r जो है रेडियस है, तो ये जो m की वैल्यू है मैं अपनी इस इक्वेशन में डालती हूँ, जहाँ m लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूंगी जो ये वैल्यू निकाली है, और वो क्या थी, 4πr³ into ρ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4ρ π r³, नीचे 3 था 3 लिख दूंगी मैं, m के अलावा जो बाकी चीज़ें थी g/6πηr लिख दिया। अब जब मैं ब्रैकेट्स को खोलती हूँ तो क्या होगा, बल्कि हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो गया, एक r नीचे है और 3r ऊपर है, तो एक r इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेंगे 2r यानी r², तो हमारे पास क्या बचा, 4ρg r², नीचे क्या है 3×6 = 18, आर कैंसिल हो चुका है, पाई कैंसिल हो चुका है, सिर्फ ईटा है तो ईटा लिख देंगे। अब ये हमारी इक्वेशन बची, बट हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2×2, 18 को मैं लिख सकती हूँ 9×2, क्यों लिखा, ताकि 2 से कैंसिल हो जाए, बाकी बचेगा 2gr² ρ और डिनोमिनेटर में 9 ईटा। ये हमारे वाटर ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन है। अगर ये लेक्चर आप कम्प्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रिकमेंड कीजिए।